हाँ, मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में न्यूटन सेकेंड लॉ तक बता दिया है। न्यूटन सेकेंड लॉ मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब आप आपसे ना न्यूटन सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट ये हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा पी ठीक है, अगर आप ऐसे कैलकुलेट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, एवरेज फोर्स। कभी भी अगर आपको पूछा जाए ना कि फाइंड आउट एवरेज फोर्स, तो एवरेज फोर्स कैलकुलेट करना है मतलब आपसे वो पूछ रहे हैं डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी का रेशियो कैलकुलेट करो। और नहीं तो अगर वो सिर्फ पूछ रहे हैं कि फोर्स का वैल्यू कैलकुलेट करो, तो आप ये भी लिख सकते हो डी अपॉन डी टी ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसमें और इसमें डिफरेंस क्या होता है, सर अप्रोप्रिएट सेकंड वाला हुआ ना, क्योंकि उसमें फोर्स कांस्टेंट नहीं रहता, मास कांस्टेंट नहीं रहता नहीं इस इसमें केस भी में। मास कांस्टेंट नहीं है, इसमें क्या है, ये एवरेज वैल्यू निकाल रहे हैं। एवरेज फोर्स अगर कभी भी नहीं, एवरेज का मतलब क्या होता है, जब भी डेल्टा टी का वैल्यू टेंडिंग टू जीरो नहीं होगा। ये स्टेटमेंट कब होता था, ये स्टेटमेंट होता था जब ये डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो होगा। मतलब अगर ये चेंज ऑफ टाइम बहुत छोटा होता है, उस टाइम पे जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है दैट इज नोन एज फोर्स। ठीक है, और अगर आपसे कोई पूछे व्हाट विल बी द एवरेज फोर्स, तो एवरेज फोर्स का मतलब हो गया चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय डेल्टा पी। जैसे मान लो मैं क्वेश्चन से एक्सप्लेन करता हूँ कि दोनों टर्म का क्या क्या मतलब है। मान लो किसी ने आपको ये दे दिया कि मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, टी स्क्वायर माइनस थ्री टी प्लस फोर, और आपसे वो पूछ रहे हैं फाइंड द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द पार्टिकल, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द पार्टिकल इन टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड। मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अच्छा अभी जो एलन टेस्ट होने वाला है अगस्त 8 को है ना, एलन टेस्ट। हाँ यस सर, सर। आज का यस टॉपिक क्या है, सर, लॉस ऑफ मोशन फ्रिक्शन एंड और ये लॉज फ्रिक्शन। ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन भी है क्या? अब यस तो फिर सर हमें कुछ कंप्लीट हो एक्स्ट्रा जाएगा। क्लास लेना पड़ेगा। इवनिंग के टाइम पे एक्स्ट्रा क्लास रख सकते हैं क्या? सर आज 2 पीरियड। आज तो 2 पीरियड है, नो डाउट। एक इवनिंग में सिक्स क्लास रख ले क्या, बजे से पांच रखिए। पांच हाँ बजे सर, 5 बजे 6 बजे 5:30 बजे सर 6 बजे रखिए सर। 6 बजे एक लेक्चर रख ले क्या? 1 घंटे हाँ पढ़ाऊंगा, ज्यादा नहीं। सर, आप पढ़ा सकते हैं हाँ ना, सर, किसी हाँ कोई डाउट नहीं सर, है। ऐसा तो नहीं है हाँ सर सर, हाँ मेरे को सर, मेरे सेटिंग से मिलने जाना है सर, आप पहले बताते सर। नो सर, नहीं नहीं सर, 6 बजे से नहीं छह सर, बजे से प्लीज पहले सर, निपटा लोगे सर? सर यस सेटिंग सर। ही 6 बजे से पहले निपटा लेंगे, पता नहीं जो ऐसा भी। नहीं है, नो सर, ठीक है ऐसा ठीक कोई है। बात नहीं है। ठीक अच्छा से आप अच्छा 6 बजे से पढ़ाइए सर, 6 बजे आ जाइए। 6 बजे पढ़ा लो सर, 6 से 7 पढ़ा लो, हम लोग 7 बजे मैनेज कर लेंगे। ठीक है चलो, अच्छी बात है, नो सर, हाँ कोई बात नहीं, जो भी है जिसका जो भी है। तो आज 6 से 7 एक क्लास रहेगा। ठीक है, ओके अच्छा सर, ओके। अभी मोमेंटम अगर ऐसा गिवन है, अब देखो ये बिल्कुल वैसा ही बात है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी ऑफ वी, लिखते थे ना, हाँ या ना? यस और सर, एक आप यस लिखते थे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो जब आप ऐसा लिखते हो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, आप पूछ रहे हो वहां से, आप क्या पूछना चाहते हो, आप पूछना चाहते हो उसका एवरेज वैल्यू। और डिफरेंशिएशन अगर ऑफ आपने, हाँ अगर आपने ऐसा लिखा है मतलब ये डी अपॉन डी टी ऑफ वी है, तो ये मतलब हो गया कि डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां से आपको मिलता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू, किसी भी इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन जो होता वो मिलता, और यहां पर आपको मिलता है एवरेज वैल्यू। एवरेज मतलब एक इंटरवल ऑफ टाइम पे जो एक्सेलरेशन होगा वो मिलता। तो उसी तरह यहां पर अगर आप ऐसा लिखोगे डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, मतलब वो हो गया एवरेज फोर्स। और अगर आप ये एफ इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी ऑफ पी कैलकुलेट करते हो, तो वो मिल जाएगा इंस्टेंटेनियस। तो देखो मैंने लिखा है फाइंड द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द पार्टिकल इन टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड। टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड में पार्टिकल जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो मुझे फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको सर आंसर 1 न्यूटन होगा। डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएट कर दो। बिल्कुल, तो अगर मुझे इंस्टेंटेनियस फोर्स कैलकुलेट करना है, तो इंस्टेंटेनियस फोर्स हो जाएगा डीपी अपॉन डीटी। इसको सॉल्व कर वन लो, सेकेंड इसका जी, 1 न्यूटन, डिफरेंशिएशन करोगे तो ये हो जाएगा वन 2t न्यूटन, वन माइनस न्यूटन 3। अब अगर आप t के प्लेस में 2 पुट प्लेस कर दोगे, तो 2 into 2 is 4, 4 minus 3 is 1। तो फोर्स जो
टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड में आएगा उसका वैल्यू हो जाएगा 1 न्यूटन का। सर आया नहीं सर समझ में ये? नहीं सर आ गया। अब एक पैटर्न, ये सेम पैटर्न के इस तरह के हजार क्वेश्चन होंगे, वर्क डन में भी ऐसा ही क्वेश्चन आएगा जब पावर कैलकुलेट करने के बोलेंगे, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी में ऐसा क्वेश्चन आएगा, चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन होगा, करंट कैलकुलेट करना है, तो सेम पैटर्न में आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो जैसे आप जाते हो ना कपड़े देखने तो बोलते सर यही इसी पैटर्न में कोई अलग कलर है तो बताइए, तो वैसा ही चल रहा है, सेम पैटर्न में अलग अलग कलर आपको दिखा रहे हैं। अब ये एवरेज फोर्स का क्या मतलब है? एवरेज फोर्स का मतलब है कि इंटरवल ऑफ टाइम पर अगर आपको कैलकुलेट करने को बोला गया, जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसा बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया कि इफ अ पार्टिकल ऑफ मास, इफ अ पार्टिकल ऑफ मास 10 kg was moving, if a particle of mass 10 kg was moving with a speed of 20 meter per second, full stop, okay? Then on application of a force, then on applying a force, for 30 seconds, it was seen that the final momentum, final velocity was 50 meter per second. Final velocity was 50 meter per second. Full stop. Find the force acting on the particle. मैं try हम लोग try करें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐसा question है जो तुमको खुद से solve कर लेना चाहिए। Force acting on the particle. आंसर 10 होगा। आंसर 10 होगा, ठीक है। लो डांस देखते हैं आंसर। सर 100 होगा। 100 होगा, देखते हैं। मेरे को भी आंसर नहीं पता, और जब तक मेरा आंसर नहीं आता तब तक सबका आंसर सही है। 10 होगा। जयदीप, ये जो क्वेश्चन है ना आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। पहला तरीका, तरीका नंबर वन। अब तरीका नंबर वन क्या है? अगर आप देखोगे तो इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है, फाइनल वेलोसिटी आपको पता है, टाइम भी पता है, कितने टाइम पे ये वेलोसिटी में चेंज हुआ ये भी पता है, तो आप सीधा सीधा एक्सेलरेशन यहां से बता दोगे, 50 - 20 / 30, तो वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन जो मिलेगा वो मिल जाएगा 1 m/s². अगर एक्सेलरेशन मिल गया तो हम तो ये जानते हैं ना कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास इज 10 एंड एक्सेलरेशन इज 1, ऑन सिंपलीफाइंग दिस ये आ जाएगा 10 न्यूटन, तो फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल विल बिकम 10 न्यूटन। हाँ या ना? एक तो ये तरीका हो सकता है ना सर, मैं ऐसे ही किया। ऐसे किया, ठीक है। yes, एक और तरीका है, हमने क्या बोला, फोर्स, एवरेज फोर्स। अब देखो एक इंटरवल ऑफ टाइम है, कहां चले गया, 30 सेकेंड। 30 सेकेंड मतलब ये इंटरवल ऑफ टाइम है। इंटरवल ऑफ टाइम में अगर आपको एवरेज फोर्स कैलकुलेट करना है तो आप ये भी लिख सकते हो, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। ये तरीका नंबर टू है, तरीका नंबर टू। इसको अलग कलर से दिखते हैं, ब्लू मेथड नहीं, ग्रीन मेथड। ये रेड मेथड है, ये ग्रीन मेथड है। ग्रीन मेथड में अगर आप देखोगे तो फोर्स कैलकुलेट करना है, फोर्स का मतलब डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा पी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम होगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो फाइनल वेलोसिटी 50 है और मास अगर 10 है तो फाइनल मोमेंटम को मैंने लिख दिया 500 माइनस इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा 20 * 10, ये हो गया 200
और चेंज ऑफ टाइम, कितना चेंज ऑफ टाइम था, तो चेंज ऑफ टाइम था 30 सेकंड्स का। तो जब आप इसको सिंपलीफाई करोगे तो देखो 500 माइनस 200 ये 300 हो जाएगा, 300 डिवाइडेड बाय 30 तो ये हो जाएगा 10 न्यूटन। तो आप चाहो तो ऐसे सॉल्व कर सकते हो, आप चाहो तो ऐसे सॉल्व कर, दोनों बोलने का दोनों एक ही है। यहाँ पर भी मैं डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी लिख के सॉल्व करूँ या एक्सेलरेशन फाइंड आउट करके सॉल्व करूँ, मतलब दोनों का एक ही है। आया गया समझ में? देखो एक्सट्रीम कंडीशन में डेल्टा पी बाय डेल्टा टी यूज हो सकता है, जिसमें ये फर्स्ट मेथड पॉसिबल नहीं है, वो कब हो सकता है? जब मास चेंज होना स्टार्ट होगा तब, वो समय अभी सोचेंगे। अभी क्या है ना, ये मैंने आपको क्यों कराया, क्योंकि मुझे ना एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन करना है। आपने अपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा कि वो जो फील्डर है, फील्डर जब बॉल को कैच करता है तो अपने हैंड्स को पीछे पुल बैक कर लेता है, सुना है ना आपने ऐसा? ठीक है, या वो आपने देखा होगा, मेरे को पता है क्यों। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, पता है। तो या अभी जो ओलंपिक्स हो रहा है, ओलंपिक्स में अगर आप देखोगे तो वो जो हाई जंप लॉन्ग जंप, उसमें जब वो जंप करते हैं तो जंप ऐसा नहीं कि उनको सीमेंटेड फ्लोर में जंप करने को दिया जाता है। जैसे हाई जंप में वो एक हाइट से जब वो नीचे गिरते हैं, ऐसा नहीं कि नीचे सीमेंट का बना के छोड़ दिया है, जंप करेंगे, हड्डियां पसलियां टूट गई, मेडल मिले ना मिले, हड्डियां तो जरूर टूटी भाई साहब, ऐसा तो नहीं करते। हम क्या करते हैं, उनको जंप करने के लिए कुशन फ्लोर देते हैं। या वो जो लॉन्ग जंप होता है, लॉन्ग जंप में आप उनको सैंड पे देते हो गिरने के लिए, ठीक है भाई गिरना तो गिरो लेकिन सैंड पे गिरो, मेडल मिले ना मिले कम से कम इंजर्ड होके तो मत जाओ। तो ऐसा क्यों करते हैं वो? तो ऐसा करने का रीजन क्या होता है, आप अगर देखोगे तो फोर्स जो है, एक्चुअली सर प्रीवियस स्लाइड्स थोड़ा दिखा सकते? एक मिनट, बिल्कुल सही है, यस सर, हां सर, हो गया। ओके, फोर्स जो है वो होता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। इसका क्या मतलब है, फोर्स का मैग्नीट्यूड ना दो बातों पर डिपेंड कर रहा है, एक तो मोमेंटम में कितना चेंज हुआ इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और मोमेंटम में चेंज होने के लिए जो टाइम लगेगा उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब अगर आप क्या करोगे, टाइम ऑफ चेंज इन मोमेंटम अगर इंक्रीज कर दोगे तो फोर्स का मैग्नीट्यूड ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। अगर मैं ये कर दू टाइम टू, टाइम इंक्रीजेस फोर्स डिक्रीजेस, टाइम टू चेंज, टाइम टेकन टू चेंज, कैसे लिखेंगे, टाइम टेकन टू चेंज द मोमेंटम, टू चेंज द मोमेंटम, टाइम टेकन टू चेंज द मोमेंटम इंक्रीजेस, इंक्रीजेस द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स डिक्रीजेस, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स डिक्रीजेस। अब मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन नहीं किया, ये कौन से क्वेश्चंस का मैं आंसर दे रहा हूँ, मैं वो आंसर दे रहा हूँ कि व्हाई द फील्डर इज पुलिंग बैक हिज हैंड आफ्टर कैचिंग अ बॉल, व्हाई द फ्लोर आर मेड कुशन्ड इन लॉन्ग जंप एंड हाई जंप, इन सारे क्वेश्चन का यही आंसर होगा। आप क्या लिखोगे, टाइम टेकन टू चेंज द मोमेंटम इंक्रीजेस, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स डिक्रीजेस। अच्छा, इससे क्या हो गया, अब देखो वो जो फील्डर है, वो फील्डर क्या कर रहा है, जब तक बॉल उसके हाथ में नहीं है तब तक बॉल के पास कुछ ना कुछ इनिशियल मोमेंटम है, मास इनटू उसका वेलोसिटी कर दोगे तो वो उसका इनिशियल मोमेंटम होगा। जैसे ही बॉल उसके हाथ में आता है, बॉल सडनली रेस्ट में आ जाता है, मतलब जस्ट बिफोर द हैंड बॉल वाज हैविंग सम मोमेंटम, जैसे ही हैंड्स में आ गया बॉल का मोमेंटम जीरो हो गया, मतलब मोमेंटम में चेंज हुआ, मोमेंटम में चेंज हुआ, नो डाउट नेगेटिव होगा लेकिन मोमेंटम में चेंज हुआ। अब मोमेंटम में जो चेंज हुआ, अगर आप इसका रेट इंक्रीज कर दोगे, अगर आपने इसका जो रेट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, अगर आप ये इंक्रीज कर देते हो तो फोर्स बढ़ जाता, मतलब बॉल आपके हैंड्स पे आके गुड अमाउंट ऑफ फोर्स से हिट करता। लेकिन अगर बॉल आपको गुड अमाउंट ऑफ फोर्स से आके हिट करेगा तो आपके हैंड्स को क्या होगा, पेन फील होगा। लेकिन अगर आपने हैंड्स को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुल कर दिया तो आपने क्या कर दिया, आपने ये जो डेल्टा टी टाइम था, आपने इस डेल्टा टी टाइम को इंक्रीज कर दिया। आप जैसे ही डेल्टा टी टाइम को इंक्रीज करते हो, जैसे ही डेल्टा टी टाइम को इंक्रीज करोगे तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कम हो गया, मतलब अगर वो बॉल कम फोर्स से आपके हैंड को हिट कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, आपको लेस पेन फील होगा या ना के बराबर पेन फील होगा, तो आप इजिली बॉल को कैच कर सकते हो। तो अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है कि व्हाई इज द फील्डर पुलिंग बैक हिज हैंड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन ड्यूरिंग कैचिंग द बॉल, तो द करेक्ट आंसर इज इन डूइंग सो ही इज इंक्रीजिंग द टाइम in which the momentum has to be changed. So if that magnitude of time has increased, it means that the magnitude of force with which the ball will hit the hand will decrease.
तो द फोर्स विद विच द बॉल इज हिटिंग द बॉल इज डिक्रीज मींस द फील्डर विल फील लेस पेन एंड ही कैन कैच द बॉल इजली. अब ये आपको खुद से लिखना है. मैंने क्वेश्चन बता दिया है और ये इनकम्प्लीट है. यही ये सारे बात ही आपको. अब अगर कोई मेरे को बोल रहा है ना कि सर आपने एनसीईआरटी बुक मेरे को स्ट्रिक्टली नहीं पढ़ाया, मतलब ये सब जो बात है वो आपको लिखना है भाई साहब. मैं नोट्स बना के नहीं दूंगा ये सब. आप एनसीईआरटी बुक पढ़ो, एनसीईआरटी बुक में आपको ये सब मिलेगा. आया क्या समझ में? ये लिखा दो यस सर. दो क्या क्या लिख पाओगे? मतलब ये क्वेश्चन और इसका आंसर? नहीं नहीं रहने दो. अरे प्लीज देखो एनसीईआरटी बुक बहुत जरूरी है यार. अगर तुम एनसीईआरटी बुक नहीं पढ़ोगे ना तो ज्ञान अधूरा है. ठीक है, अगर तुम एनसीईआरटी बुक, मैं मान लो मैं लेक्चर में कुछ भी पढ़ा दूं, अल्फा बीटा गामा साइंस रॉकेट साइंस कुछ भी पढ़ा दूं, अगर तुमको एनसीईआरटी बुक में लिखी हुई बातें नहीं आती ना तब तुम्हारा ज्ञान अधूरा है. तुम सिर्फ मेरे लेक्चर के दम पे कभी भी सिलेक्शन नहीं कर पाओगे. लेकिन मेरा लेक्चर प्लस ये एनसीईआरटी प्लस आलन का मटीरियल इतना सॉल्व कर लोगे ना तो किसी के डैश में इतना दम नहीं होगा कि तुम्हारा सिलेक्शन रोक सके. तो अब तुम अगर छोड़ते जाओगे तो फिर बहुत बड़ा वो टेंशन हो जाएगा, पाइलअप होता जाएगा. तुम ये मत सोचो कि सर कल करते हैं ना, कल करते हैं ना, कल कल का अगर सोचोगे तो सिलेबस बहुत बड़ा है, वो पाइलअप होता जाएगा. आज अगर सोचा है तो आज करके सोना है. नहीं टाइम मिल रहा तो नहीं सोएंगे, लेकिन पढ़ना जरूरी है. ये सबको क्वेश्चन समझ में आया और उसका एक्सप्लेनेशन समझ में आया क्या? हाँ सर. तो जब आप क्या करोगे, चेंज इन टाइम को इंक्रीज कर दोगे तो एवरेज फोर्स रिड्यूस हो जाता है. एवरेज फोर्स रिड्यूस हो जाने से क्या होगा, आप इजिली ऑब्जेक्ट को कैच कर सकते हो. या मोमेंटम का चेंज होने में अगर टाइम बढ़ा दिया तो आपको कम फोर्स एक्सपीरियंस होगा, तो आप इजिली क्या कर सकते हो, अपना काम कर सकते हो. अच्छा, अब मुझे बात करना है टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में. टाइप्स ऑफ फोर्सेस सर आप कल बताए थे. हाँ, टाइप्स ऑफ फोर्सेस में मैंने वेट के बारे में बता दिया है. मैंने आपको बता दिया. हाँ, वेट के बारे में बता दिया ना. जैसे ये अर्थ है अगर, और मान लो कोई ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे खड़ा है तो ग्रेविटेशनल सेंट्रल पे ग्रेविटेशनल कैसा होगा, इस डायरेक्शन में होगा. मतलब अगर इस ऑब्जेक्ट का मास mg है तो इस ऑब्जेक्ट का जो वेट आप दिखाओगे वो mg इस डायरेक्शन में दिखाओगे. ऐसा नहीं कि सर ऑब्जेक्ट यहाँ पे तो उसका mg नीचे दिखा गया, नीचे दिखा दिया मतलब वो गिर जाएगा नहीं क्या? अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे खड़ा है मतलब उसके लिए mg इस डायरेक्शन में, उसका वेट इस डायरेक्शन में लग रहा है. अच्छा, लेकिन हम जब रियल वर्ल्ड में जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो जो ग्राउंड लोगे या जो फ्लोर उसका डायमेंशन क्या है, वो ऑलमोस्ट प्लेन है. सिंस वो अर्थ के डायमेंशन के सामने बहुत ही नेग्लिजिबल है, तो हम क्या कर लेते हैं, ये अगर ये मेरा अर्थ है तो हमने ऐसा अज्यूम कर लिया कि अगर अर्थ में ये एम मास का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इसका जो वेट है आप क्या करोगे, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करोगे. तो ये एम जी इस डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे. या मान लो इसके साथ में और भी कोई अगर पार्टिकल लगा हुआ है एम वन, तो ये भी क्या हो जाएगा, एम वन जी हो जाएगा. एक्चुअल में क्या है ना, एक पर्टिकुलर प्लेस में, एक पर्टिकुलर प्लेस में जितने भी इंसान खड़े होंगे, ठीक है, उन सारे इंसान का जो वेट है वो पैरेलल वेक्टर है. पैरेलल वेक्टर का मतलब क्या होता था, सारे ऐसे सारे वेक्टर्स जिनका डायरेक्शन सेम होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, जीरो डिग्री पे होगा. हाँ, मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है लेकिन ऐसे सारे वेक्टर्स जो एक डायरेक्शन में होते हैं उनको पैरेलल वेक्टर्स बोलते हैं क्या? हाँ या ना? यस सर. हाँ सर. तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर 1000 इंसान खड़े थे, उन 1000 इंसान का जो वेट होता वो सारे वेट्स क्या होंगे, पैरेलल वेक्टर्स होंगे. हाँ या ना? हाँ सर. हाँ सर. सबका वेट इक्वल वेक्टर होगा क्या? दो वेक्टर्स इक्वल कब होते हैं? व्हाट इज द क्राइटेरिया? दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होता. दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और दोनों का डायरेक्शन भी सेम होगा. जब दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होगा तो उसके इसमें क्या होगा, वो इक्वल वेक्टर्स है. तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि एक प्लेस है जहां पर कुछ इंसान ऐसे खड़े हुए हैं तो वहां पे सारे इंसान का जो वेट होगा वो अलग अलग हो सकता है क्योंकि सबका मास अलग अलग है. मास अलग है, वेट अलग अलग है, मतलब वो सारे इक्वल वेक्टर्स तो नहीं है लेकिन हाँ डेफिनेटली सबका डायरेक्शन अगर सेम है तो वो सारे क्या होंगे, वो सारे के सारे जो है वो इक्वल वेक्टर्स जरूर होंगे, वो पैरेलल वेक्टर्स जरूर होंगे. आया क्या समझ में? यस सर. टाइप ऑफ फोर्स में सबसे पहला फोर्स, अब किसी भी फोर्स में आपको जानना पड़ेगा कि फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है और फोर्स का डायरेक्शन कैसे होगा. अच्छा, नेक्स्ट फोर्स जो है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, नेक्स्ट फोर्स इज कॉन्टैक्ट फोर्स. हाँ बोलो सर. आपने जो बोला मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, तो मैग्नीट्यूड हम इधर मास को ले रहे हैं या वेट को?
नहीं, मैग्नीट्यूड मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दोनों का जो प्रोडक्ट है दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेट, ठीक है ना? मतलब सर वेट को ना, मतलब एमजी, जो एमजी किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट एमजी, तो वो उसका मैग्नीट्यूड है, एम इनटू जी उसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना? तो सर अगर दो पर्सन का सेम वेट होगा तो वो इक्वल वेक्टर्स में जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर दो वेक्टर सेम मास, दो ऑब्जेक्ट सेम मास के हैं तो उनका जो वेट है वो इक्वल वेक्टर है, ठीक है सर, ठीक है ना? लेकिन वो दोनों एक जगह होने चाहिए, ऐसा नहीं कि एक को तुमने चाइना में लगा दिया और एक को तुमने बोला कि अफ्रीका में, और वो दोनों इक्वल है क्या? नहीं, वो दोनों इक्वल नहीं, दोनों इंडिया में, दोनों भुवनेश्वर में अगर है तो वो इक्वल वेक्टर्स मान सकते हैं, समझ में आया ना सर? क्यों? क्योंकि भुवनेश्वर, अब क्या हो गया, मान लो एक इंसान इधर है, एक इंसान इधर है, ठीक का वैल्यू डायरेक्शनल अलग हो जाएगा, हां तो दोनों दोनों का वेट सेम है अभी, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, दोनों का डायरेक्शन वाइज तो ऑपोजिट है ना, लेकिन अगर दोनों भुवनेश्वर में ही होते तो दोनों का एमजी पैरेलल हो जाता, आया समझ में? यस सर। अच्छा, अब दूसरा जो फोर्स है ना वो है कॉन्टैक्ट फोर्स। अब मान लो दो ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट में ऐसे रखे हुए हैं, दो ऑब्जेक्ट ऐसे कॉन्टैक्ट में रखे हुए हैं और एक दूसरे को प्रेस कर रहे हैं, मान लो कोई ऑब्जेक्ट ए है, ये सरफेस के साथ कॉन्टैक्ट में रखा हुआ है, सरफेस मान लो टेबल, फ्लोर, कुछ भी हो सकता है, सरफेस है और ये ऑब्जेक्ट ए है, सपोज ऑब्जेक्ट ए का मास है m1, ये m मान लेते हैं, m मास है, तो ऑब्जेक्ट ए और ये सरफेस एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में रखे हुए। अब क्या होता है ना, अगर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कॉन्टैक्ट है, देखो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कॉन्टैक्ट है अगर, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक फोर्स डेवलप होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स। अब ये जो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। अब बोलोगे सर ये भारी भरकम सा वर्ड क्या बोल दिया आपने सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का मतलब क्या है, देखो इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स है, इधर भी इलेक्ट्रॉन्स है, इधर भी इलेक्ट्रॉन्स है, इसके इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन में इधर उधर घूम रहे हैं, इसके इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन में इधर उधर घूम रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसके इधर चले गए, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसके इधर चले गए, तो जो विद इन द फील्ड ऑफ द मैग्नेटिक रीजन, इसके इलेक्ट्रॉन्स के इंटरेक्शन के कारण जो फोर्स डेवलप होता है इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स, और कॉन्टैक्ट फोर्स इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक कॉम्पोनेंट भी होगा, बेसिकली समझ लो वो चार्जेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी कॉन्टैक्ट फोर्स है ना? नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है, दो चार्जेस के बीच में कॉन्टैक्ट रहे ना रहे फोर्स लगता है, वो सब बाद में देखेंगे। तो कॉन्टैक्ट फोर्स एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का एग्जाम्पल है। अब ये जो कॉन्टैक्ट फोर्स है ना, इसके दो कॉम्पोनेंट्स हो सकते हैं, हो सकते हैं, ठीक है, हमेशा होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं, इसके दो कॉम्पोनेंट्स हो सकते हैं। पहला कॉम्पोनेंट होता है कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर, ये जो कॉन्टैक्ट है, देखो ये जो कॉन्टैक्ट था, कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर एक फोर्स होगा। अब कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर जो फोर्स होता है ना, उसको बोलते हैं नॉर्मल। तुमने पढ़ा होगा मैथ्स में, परपेंडिकुलर इज ऑल्सो नोन एज नॉर्मल, पढ़ा है क्या ऐसा? हाँ सर। तो कॉन्टैक्ट फोर्स के परपेंडिकुलर में जो फोर्स होगा, दैट फोर्स इज नोन एज नॉर्मल। और कॉन्टैक्ट के पैरेलल में जो फोर्स होगा, ये जो कॉन्टैक्ट का पैरेलल है, पैरेलल में जो फोर्स होता है वो होता है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन। तो कॉन्टैक्ट फोर्स के दो कॉम्पोनेंट, मतलब ऐसा समझ लो कॉन्टैक्ट फोर्स के दो बेटे, एक बेटा जो कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर है, जिसकी कॉन्टैक्ट से कभी नहीं बनती, वो हो गया नॉर्मल, और एक बेटा जो कॉन्टैक्ट के साथ ही हमेशा रहता है, वो होता है फ्रिक्शन। अब एक्चुअल में क्या होता है ना, ये जो नेट कॉन्टैक्ट फोर्स है, ये जो नेट कॉन्टैक्ट फोर्स होगा, नेट कॉन्टैक्ट फोर्स जो है वो नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स का रिजल्टेंट होता है। एक सिस्टम पे लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल फोर्स का जो रिजल्टेंट होता है वो नेट कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। लेकिन अभी क्या करेंगे, फॉर द टाइम बीइंग हम फ्रिक्शन को कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं कंसिडर कर रहे हैं? क्योंकि हम ऐसा मान लेंगे ये जो सरफेस यहां पे हमने लिया है वो सरफेस कैसा है, स्मूथ सरफेस है। अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहे कि द सरफेस इज स्मूथ, तो आप समझ लो फिर भी फ्रिक्शन तो रहेगा। हाँ, फ्रिक्शन, तुम ऐसा कोई सरफेस नहीं बना सकते जहां पर जीरो फ्रिक्शन होगा। लेकिन हम स्टार्टिंग में क्या करेंगे, हम स्टार्टिंग में ऐसा सिनेरियो पढ़ेंगे जहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं। तो अगर स्टार्टिंग में कोई फ्रिक्शन नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, वो स्मूथ सरफेस। तो फॉर द टाइम बीइंग
नॉर्मल जो है सॉरी फ्रिक्शन जो होगा वो एबसेंट होगा. तो अगर फ्रिक्शन एबसेंट है, कोई फ्रिक्शन नहीं प्रेजेंट, मतलब कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब हो जाएगा, जब भी कोई पूछे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम कॉन्टैक्ट फोर्स, तो कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब हो जाएगा दे आर आस्किंग फॉर नॉर्मल रिएक्शन. अभी के लिए स्टार्टिंग वाले लेक्चर में, दो तीन लेक्चर के बाद फ्रिक्शन भी आ जाएगा, दो तीन लेक्चर्स के बाद फ्रिक्शन भी आ जाएगा, लेकिन अभी दो तीन लेक्चर तक फ्रिक्शन नहीं आने वाला. तो जब भी कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में कोई बात करेगा, ठीक है, या ऐसा उसने बोल दिया कि द सर्फेस इज स्मूथ, तो सिर्फ एक फोर्स दिखाएंगे और वो जो फोर्स होगा वो सर्फेस के परपेंडिकुलर है, एंड दैट फोर्स इज नोन एज नॉर्मल रिएक्शन. आया क्या समझ में सर? बिल्कुल बता सकते हैं. पहले तो आप ये समझो कि कॉन्टैक्ट का मतलब क्या है. जब भी दो ऑब्जेक्ट ऐसे कॉन्टैक्ट में आते हैं, ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी, और ये दोनों की एक दूसरे को प्रेस करने की टेंडेंसी, मतलब ये इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, ये इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा है. या ऐसा समझ लो कि अगर ये पाम है मेरा और इस पाम पे मैंने सपोज ये टीवी का रिमोट ऐसा रख दिया, तो ये टीवी का रिमोट क्या चाह रहा है, टीवी का रिमोट अपने वेट के कारण नीचे जाना चाहता है, लेकिन मैंने इसको रोक रखा है तो ये मेरे हैंड्स को प्रेस कर रहा है. उसी तरह से मेरा हैंड जो है वो भी रिमोट पे एक ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई कर रहा है. अब ये जो फोर्स है जो कॉन्टैक्ट के कारण बनता है, उस फोर्स को ही हम क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स. तो ये जो कॉन्टैक्ट फोर्स है, इस कॉन्टैक्ट फोर्स के दो कॉम्पोनेंट्स हैं. एक कॉम्पोनेंट होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट. अब जो परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट होता है उसको हम बोलते हैं नॉर्मल, और जो अलोंग द कॉन्टैक्ट होगा, जैसे ये कॉन्टैक्ट था, जो अलोंग द कॉन्टैक्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन. अब स्टार्टिंग के लेक्चर्स में मैं फ्रिक्शन के बारे में बात नहीं करने वाला, क्योंकि एक बार हम ये बेसिक फोर्सेस समझ लेंगे ना तो फ्रिक्शन समझेंगे तो ज्यादा आसान होगा. तो मैंने यहाँ पे बोला कि अगर ये फ्रिक्शन नहीं है तो जो कॉन्टैक्ट फोर्स होगा वो सिर्फ क्या होगा, नॉर्मल के बराबर होगा. आया क्या समझ में? आया समझ में? हाँ सर. इसका डाउट था. हाँ, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, नेक्स्ट जो फोर्स है, नेक्स्ट फोर्स क्या है, वो है नॉर्मल रिएक्शन या नॉर्मल फोर्स. नॉर्मल फोर्स का मतलब हो गया फोर्स परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट, फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर, फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट. इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे नॉर्मल रिएक्शन. तो आई होप सबको नॉर्मल का मतलब समझ में आ गया. व्हाट इज नॉर्मल? परपेंडिकुलर. ठीक है, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर फोर्स, कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर. नेक्स्ट टाइप का फोर्स जो होगा, सेक्शन प्रीवियस स्लाइड दिखा दोगे थोड़ा? बिल्कुल, एक मिनट. हाँ, जो एफ नेट कॉन्टैक्ट होगा, हाँ? वो मींस इन दोनों के कैसे लगेगा, वो इन दोनों के कैसे लगेगा, मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट, एक फोर्स इधर है एक फोर्स इधर है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट yes. होगा ना वो कॉन्टैक्ट फोर्स होगा ऐसे. ठीक है ना? यस. ये इसके कॉम्पोनेंट है, कॉन्टैक्ट फोर्स का एक कॉम्पोनेंट ये, कॉन्टैक्ट फोर्स का एक कॉम्पोनेंट ये. तो इनके जो कॉम्पोनेंट है वो मैंने ऐसे नॉर्मल और फ्रिक्शन के नाम से बता दिया है. और अभी के मैं बोल रहा हूँ कि फ्रिक्शन के बारे में सोचना ही नहीं है, अभी बस ये सोचेंगे कि अगर कॉन्टैक्ट है तो कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर एक फोर्स है, एंड दैट परपेंडिकुलर फोर्स इज ओनली नोन एज नॉर्मल. क्लियर है ना? यस. ओके, नेक्स्ट. सो यू कैन चेंज द स्लाइड. नेक्स्ट जो फोर्स है दैट इज टेंशन. नेक्स्ट जो फोर्स है वो क्या है, टेंशन फोर्स. अब टेंशन फोर्स का मतलब क्या है, तुम बोलोगे सर ऐसी तो लाइफ में बहुत टेंशन है, आप एक नया टेंशन क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हो? तो ये टेंशन तुम्हारी जिंदगी को आसान बनाएगा, तुम्हारे जीवन के कष्ट को कम करेगा. कैसे? मान लो एक धागा है, ऐसा धागा इस तरह से, और अगर ये जो धागा है इस धागे को ऐसे ही छोड़ दिया गया, कुछ नहीं कर रहे इस पर. अब हम स्टार्टिंग में क्या करेंगे ना, हम स्टार्टिंग में पढ़ेंगे आइडियल थ्रेड. अब आइडियल थ्रेड की कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो अपने को याद रखने पड़ेंगे. क्या क्या है? आइडियल थ्रेड इज मासलेस, कोई मास नहीं है. हम ऐसा अज्यूम करेंगे ये जो थ्रेड हम पढ़ रहे हैं ना, इसके पास कोई मास है ही नहीं, एकदम नेग्लिजिबल मास, जीरो मास का बंदा है. फिर क्या है, इज इनएक्सटेंसिबल है, मतलब आप इसके लेंथ को चेंज नहीं कर सकते.
और ये क्या है, ये अनब्रेकेबल है, टूटेगा नहीं, ठीक है, फेविकॉल्स के जोड़ से लगा हुआ है, अनब्रेकेबल है, टूटेगा नहीं। तो आइडियल थ्रेड, स्टार्टिंग में बात करेंगे आइडियल थ्रेड के बारे में, जरूरत पड़ा तो नॉन आइडियल थ्रेड भी आप कभी कभी पूछ बात कर लेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वेश्चन आता है वो आइडियल थ्रेड पे ही आता है। तो आइडियल थ्रेड का कुछ एट्रीब्यूट्स है, जब तक नहीं मेंशन रहे कि जो थ्रेड इज नॉन आइडियल, तब तक आपको क्या करना है, आइडियल थ्रेड मान के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अगर आप आइडियल थ्रेड मान के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो थ्रेड इज मासलेस, थ्रेड इज इनएक्सटेंसिबल, थ्रेड इज अनब्रेकेबल। ओके, अब ये जो थ्रेड है इस वाले पोजिशन में, ये जब थ्रेड ऐसे आड़ा टेढ़ा रखा होता है, इसको बोलते हैं थ्रेड जो है वो क्या है, स्लैग्ड है। ये थ्रेड जो है वो क्या है, स्लैग्ड। इस थ्रेड को क्या करते हैं, सीधा करते हैं, इसको लाइन में लाते हैं। कैसे लाइन में लाएंगे, इधर से भी खींचा, इधर से भी खींचा, और अभी मान लो कि सेम अमाउंट ऑफ फोर्स से खींच रहे, थ्रेड को हमने क्या किया, खींचा ऐसे, और जितना फोर्स मैंने इधर अप्लाई किया है उतना ही फोर्स मैंने इधर भी अप्लाई किया, ठीक है। मैंने क्या किया, इधर भी एक फोर्स अप्लाई किया एफ अमाउंट का, और इधर भी एक फोर्स अप्लाई किया एफ अमाउंट का। अब ये जो थ्रेड है, अगर ये थ्रेड इनएक्सटेंसिबल है, अगर ये थ्रेड का लेंथ चेंज नहीं हो सकता, तो जैसी तुम फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट करोगे ना, तुमने जैसी फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट किया, तो तुम खुद से सोचो, अगर तुमने यहां पर एफ अमाउंट का फोर्स अप्लाई किया है, तो डेफिनेटली अगर ये थ्रेड अगर इलोंगेट नहीं हो रहा, इसका मतलब डेफिनेटली इस साइड एक फोर्स होना चाहिए जो इस एक्सटेंशन फोर्स को रोकने की कोशिश करेगा। मतलब जब भी इस थ्रेड में एक्सटेंशन की टेंडेंसी होगी, एक्सटेंड नहीं कर सकता, लेकिन एक्सटेंशन की टेंडेंसी हो सकती है। कैसे टेंडेंसी होगी, अगर आप फोर्स अप्लाई करोगे तो इसमें एक्सटेंशन की टेंडेंसी आ सकती है। तो अगर इसमें एक्सटेंशन की टेंडेंसी आ रही है, तो ये थ्रेड को नहीं पसंद कि कोई इसके लेंथ को इलोंगेट करे, तो थ्रेड के अंदर में एक फोर्स जनरेट होता है जो इस एक्सटेंशन को रोकने की कोशिश करता है। अब थ्रेड के अंदर में जो इंटरनल फोर्स जनरेट होता है जो थ्रेड के एक एक्सटेंशन को रोकने की कोशिश करे, इस इंटरनल फोर्स को ही क्या कहते हैं, टेंशन। हमने क्या बोला कि जैसी आप थ्रेड को इलोंगेट करने की कोशिश करोगे, नो डाउट थ्रेड इलोंगेट नहीं होगा, लेकिन वो इलोंगेट क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि थ्रेड के अंदर से एक फोर्स जनरेट होता है, थ्रेड के अंदर में मतलब एक इंटरनल फोर्स टेंशन डेवलप होगा। अब ये जो इंटरनल फोर्स जनरेट हो रहा है, यही क्या करता है, थ्रेड को इलोंगेट होने नहीं देता। तो यहां पर अगर आप इस पॉइंट पर देखोगे, तो ये थ्रेड इलोंगेट नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है, और ये टेंशन फोर्स, अभी अगर कोई पूछेगी सर इस वाले थ्रेड में कोई टेंशन है क्या, तो नहीं, जब तक थ्रेड में इलोंगेशन की टेंडेंसी नहीं होगी, थ्रेड में कोई भी टेंशन फोर्स नहीं होगा। थ्रेड में टेंशन फोर्स तभी आएगा जब आपने थ्रेड को इलोंगेट करने की कोशिश की। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि थ्रेड को इधर से भी फोर्स लगाया, इधर से भी फोर्स लगाया, तो मैं थ्रेड को इलोंगेट करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए थ्रेड ने बोला कि मुझे इलोंगेशन नहीं पसंद, तो मैं एक इंटरनल फोर्स डेवलप करूंगा जो क्या करेगा, इस इलोंगेशन को रोकने की कोशिश करेगा। अब ये जो टेंशन जनरेट हुआ है, इसमें इसके बारे में आप ये याद रख सकते हो कि टेंशन फोर्स विल ऑलवेज एक्ट, टेंशन इज एन इंटरनल फोर्स, पहले ये लिख लो, टेंशन इज एन इंटरनल फोर्स, टेंशन इज एन इंटरनल फोर्स, पहला बात ये याद रखना है, एंड टेंशन ऑलवेज एक्ट इन टेंशन ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। पहले तो आप ये समझो कि टेंशन क्यों जनरेट हुआ, फिर आपको क्या करना है, ये समझना है कि ये जो टेंशन है, अच्छा ये टेंशन इसलिए जनरेट हो रहा था क्योंकि धागे में इलोंगेशन की टेंडेंसी ला रहे थे। धागा इलोंगेट नहीं करेगा हमने पढ़ा है, लेकिन कोशिश तो की जा सकती है इलोंगेट करने की। तो अगर धागे में इलोंगेट करने की कोशिश होगी, तो एक इंटरनल फोर्स जनरेट होगा जो धागे के एक्सटेंशन को रोकेगा। अब वो जो इंटरनल फोर्स था, दैट इज ओनली नोन एज टेंशन। और टेंशन का डायरेक्शन हमेशा याद रखेंगे, इट विल बी अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। तो ये अगर पॉइंट बी था तो पॉइंट बी से अवे, ये अगर पॉइंट ए है तो पॉइंट ए से अवे। लेकिन और क्या बात याद रख सकते हो, फॉर अ मासलेस स्ट्रिंग टेंशन यूनिफॉर्म है। इसका क्या मतलब है, जो टेंशन का मैग्नीट्यूड यहां पर है,
वही टेंशन यहाँ पर होगा, वही टेंशन यहाँ पर होगा, वही टेंशन यहाँ पर होगा, लेकिन हर पॉइंट पर उसका जो डायरेक्शन है वो अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट होगा। जैसे मान लो अगर ये पॉइंट सी होता तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट आप ऐसा दिखा दोगे, या यहाँ पर देखोगे तो अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट आप ऐसा दिखा दोगे। आया क्या समझ में? टेंशन 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 बढ़ गया सर, एक तो ऐसी टेंशन था सर, आपने और बढ़ा दिया टेंशन। ये समझ में आ गया? ये तीन फोर्सेस आपको समझने हैं, वेट, नॉर्मल, टेंशन। तो सबको अपना वेट पता होगा, सबने नॉर्मल पढ़ लिया, सबको लाइफ में टेंशन की कमी नहीं है। तीनों में किसी कोई भी डाउट है तो बोलो 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 भाई, किसी को कोई डाउट? सर सर, जब वो टेंशन इंटरनल फोर्स एक जनरेट कर रहा है, वो किस लिए कर रहा है? मतलब वो टेंडेंसी को रोकने के लिए? हाँ, वो नहीं चाहता है कि कोई मेरे लेंथ को चेंज कर दे। जैसे वो तुमने सुना है ना कि अरे रिएक्शन फोर्स है क्या? हाँ बिल्कुल बोल सकते हो, बिल्कुल रिएक्शन फोर्स बोल सकते हो। जैसे किसी ने पूछा कि वो सर टेंशन क्यों जनरेट हो रहा है, तो सर दोनों इक्वल होगा? दोनों इक्वल, हाँ हाँ हाँ, ये और ये इक्वल है। ये अप्लाइड फोर्स, जितना अप्लाइड फोर्स होगा उतना ही टेंशन जनरेट होगा। ठीक सर, मैं भी एग्जांपल बताऊंगा। अब ये टेंशन क्यों जनरेट हो रहा है? बेबी को बेस पसंद है लेकिन थ्रेड को इलोंगेशन नहीं पसंद है, तो थ्रेड को इलोंगेशन नहीं पसंद है इसलिए थ्रेड एक फोर्स जनरेट करा रहा है। आया समझ में? हाँ सर। अच्छा, अब ये जो धागे का टेंशन है ना, वो चेंज हो सकता है। कैसे चेंज हो सकता है वो समझो। मान लो मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, एक धागा लिया गया। अब कैसा धागा है? थॉर का धागा है, टूटेगा नहीं कभी। फेविकॉल का जोड़ है, टूटेगा नहीं। थॉर का धागा मतलब ऐसा है, थॉर का हथौड़ा, थॉर का हथौड़ा टूटेगा नहीं। कौन नहीं टूटता? सब तो टूट ही गया भाई, थॉर का हथौड़ा भी टूट गया। नहीं सर, टूट गया सर, थॉर का हथौड़ा टूट गया था। सम्योनल टूट गया था भाई, तो वो उसका जो शील्ड है वो भी टूट गया था, कैप्टन अमेरिका, वो भी शील्ड भी टूट गया था। तो मतलब नथिंग इज व्हाट इनएविटेबल, सबको सॉरी कुछ भी ये नहीं है, सब कुछ टूटेंगे। कोई नहीं, मान लो एक थ्रेड है और थ्रेड से अभी कुछ नहीं बांधा गया, एक थ्रेड था और थ्रेड से कुछ नहीं बांधा गया। अगर थ्रेड से कुछ नहीं बांधा गया तो अभी थ्रेड में टेंशन कितना है? थ्रेड में कोई इलोंगेशन की टेंडेंसी है क्या अभी? जीरो, जीरो। अगर थ्रेड में आपने कुछ भी टाई करके नहीं रखा है तो थ्रेड में जो इलोंगेशन होगा उसकी टेंडेंसी जीरो है, इलोंगेशन की टेंडेंसी जीरो है, मतलब अभी थ्रेड में टेंशन जीरो है। मान लो मैंने क्या किया, इसमें से एक इंसान को बांध दिया। अभी इंसान बनाना थोड़ा मुश्किल होता है ऑब्जेक्ट, अभी टेंडेंसी तो मान लो एक M1 kg के ऑब्जेक्ट को मैंने इसमें बांध दिया। अब जैसे ही आप एक M1 kg के ऑब्जेक्ट को बांधोगे तो ये M1 kg के ऑब्जेक्ट को ना अर्थ अपने पास बुला रहा है, आ जा ये M1 वाला जो ऑब्जेक्ट है इसको अर्थ अपने पास जी होगा। बिल्कुल, तो देखो अगर आप देखोगे तो M1 वाले ऑब्जेक्ट को अर्थ अपने पास बुला रहा है। क्यों बुला रहा है? अर्थ इस पे एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, इसका खुद का वेट, ग्रेविटी। लेकिन जब आप इसको थ्रेड से बांध देते हो, ये गिर रहा है क्या नीचे? नहीं सर, फिर टेंशन से भी लगाएगा ना M1 जी। तो अगर ये नहीं गिर रहा, अगर ये नहीं गिर रहा मतलब डेफिनेटली इसको कोई गिरने से रोक रहा होगा, तो वो कौन रोक रहा है? वो रोक रहा है टेंशन। टेंशन क्या कर रहा है? अब जैसे ही M1 क्या चाहता है, वेट के कारण नीचे गिरना चाहता है, लेकिन जब ये वेट के कारण नीचे गिरने की कोशिश करेगा तो इसमें इलोंगेशन की टेंडेंसी आ गई, तो बिकॉज ऑफ दैट इलोंगेशन यहाँ पर जनरेट होगा टेंशन। इस डायरेक्शन में जनरेट हुआ टेंशन, उसी तरह जितना टेंशन इधर जनरेट हुआ है उतना ही टेंशन इधर भी जनरेट होगा, बस अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो M1 ऑब्जेक्ट है वो इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में क्यों है? क्योंकि M1 ऑब्जेक्ट मूव तो नहीं कर रहा सर। अगर M1 ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, और सपोज ये सिनेरियो 1 है, सपोज यहाँ पे टेंशन T1 है, तो इस केस में अगर देखोगे तो इस थ्रेड में जो टेंशन जनरेट हुआ, अगर ये M1 ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स इक्वल्स टू 0। अगर मैं बोलूं कि कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, इसका क्या मतलब होता है? कि उस पे लगने वाला जो नेट फोर्स है वो जीरो होगा। तो यहाँ पर T1 का जो वैल्यू है वो M1G के बराबर रख सकते हैं क्या? T1 is equal to M1 into G। सर नहीं आया समझ में ये? हाँ सर, समझ में आ गया। हाँ ऐसा, अच्छा मान लो सेम थ्रेड, इसी थ्रेड में अब इस M1 वाले मास को हटा के इसमें एक हाथी बांध देते हैं, ठीक है? इसमें हमने क्या कर दिया, टूट जाएगा वो? अरे नहीं, टूटेगा नहीं सर। आप हाथी क्यों लाते हो? नहीं टूटेगा सर, नहीं टूटेगा, मासेस सर, थानोस का थ्रेड है, नहीं टूटेगा। हाथी मेरा फेवरेट एनिमल है, इसीलिए ये राइनोसोरस। हाथी आप बस सर, सेम पिन सर मेरा, ये राइनोसोरस बन गया है वैसे। क्या है सर?
तो ये अगर मैंने एक हाथी बांध दिया, सपोज दिस हाथी ऑफ इज ऑफ द मास m2, तो इस केस में अगर देखोगे तो फिर से ये हाथी की टेंडेंसी क्या है, ऐसा थोड़ी कि अर्थ जो है वो हाथी से प्यार नहीं करती, अर्थ हाथी से भी प्यार करती है, हाथी को भी अर्थ बोलेगी कि आजा आजा, ठीक है। तो ये अर्थ अगर हाथी को अपनी तरफ खींच रही है विद द फोर्स ऑफ m2 इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो एक तो हाथी का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अब अगर आपने हाथी से इस थ्रेड को टाई अप कर दिया तो इस बार फिर से टेंशन डेवलप होगा, इस बार फिर से टेंशन डेवलप होगा इधर टी और इधर टी। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर ये हाथी रेस्ट में है, अगर मैं बोल रहा हूँ ये थ्रेड टूट नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये हाथी रेस्ट में है। अगर हाथी रेस्ट में है इसका मतलब जितना वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में था उसको धागे के टेंशन ने बैलेंस करके रखा होगा सिनेरियो टू का। तो अगर आप देखोगे तो सेम थ्रेड में जो टेंशन है वो अलग अलग डेवलप किया जा सकता है। अगर कुछ नहीं टाई करोगे तो थ्रेड का टेंशन है जीरो, अगर m1 मास का ऑब्जेक्ट टाई करोगे तो थ्रेड का टेंशन इज m1g। सेम थ्रेड में अगर अलग मास को टाई अप कर दोगे तो जो टेंशन डेवलप हुआ वो m2g। मतलब जो धागे में जो टेंशन जनरेट हो रहा है उसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि किस कितना ज्यादा टेंडेंसी क्रिएट किया गया है एक्सटेंड कराने का। जितना ज्यादा टेंडेंसी आप धागे को एक्सटेंड करने का क्रिएट करोगे उतना ज्यादा धागे में टेंशन जनरेट होगा। सर नहीं आया समझ में ये बात? नहीं सर आगे समझ आया क्या समझ में? जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो फिक्स है, नॉर्मल रिएक्शन जो लग रहा है वो फिक्स है, लेकिन टेंशन जो है वो डिपेंड करता है कि व्हाट अमाउंट ऑफ लोड इज बीइंग अटैच्ड टू दैट थ्रेड। अगर आप थ्रेड का लोड बढ़ा दोगे और थ्रेड इज इनएक्सटेंसिबल एंड थ्रेड इज अनब्रेकेबल, इसका मतलब ये है कि थ्रेड का जो टेंशन है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आया क्या समझ में? एक एचसी वर्मा का क्वेश्चन है मंकी के पूछ वाला, वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें मंकी के पूछ को टूटने नहीं देना है, तो वो अभी नहीं सॉल्व करेंगे, एक दो लेक्चर के बाद। मेरे को एक डाउट है। हाँ बोलो क्या डाउट है सर? अगर ये अपवर्ड में रहा तो? अगर ये अपवर्ड में रहा, कौन? हाथी ऊपर रहा? हाँ सर। अरे हाथी ऊपर कैसे जा सकता है, मतलब सीलिंग से ही आप किसी चीज को टाई करोगे ना। आप अगर मान लो ऐसा है, सीलिंग के ऊपर आपने धागा बांध दिया तो धागा तो ऐसे नीचे गिर जाएगा ना। अब मत बोलना कि सर ऐसा बलून तो हमने देखा ही नहीं, सर हम तो सर सिंगल है, ऐसे बलून नहीं देखा सर हमने, सबने देखा होगा पार्क वार्क में जाते हो तो ऐसे बलून खूब उड़ते रहते हैं। मान लो ये बलून था, थ्रेड से बांध दिया गया। सर आप जाते थे क्या? नहीं मेरा टाइम खत्म हो गया, मैं एक्सपायर हो चुका हूँ। सर ऐसा मत बोलिए। अरे मतलब एज पार हो गया है मेरा, ये सब स्कूल कॉलेज के टाइम में था, कोई नहीं जो भी था, ये सब रिकॉर्ड होता है यार, तुम लोग क्या क्या पूछते रहते हो। मेरी बीवी देख लेगी मैं, वो भगा देगी, अभी नई नई शादी हुई है मेरी। तो ये जो हीलियम बलून है ना, हीलियम का डेंसिटी एयर से कम होता है, ये तुम जानते होगे कि हीलियम का जो डेंसिटी होता है वो एयर से कम होता है, तो इस बलून की टेंडेंसी ऊपर भागने की होती है। ये बलून क्या चाहता है कि ऊपर भागे, लेकिन आपने यहाँ से थ्रेड से क्या करके रखा है, इसको टाई करके रखा है, मान लो इसको फ्लोर से ऐसे बांध करके रख दिया, तो हीलियम ये चाहता है, ये बलून चाहता है कि ये ऊपर उड़े। अगर बलून ये चाहता है कि ये ऊपर उड़े तो बलून जैसी ऊपर उड़ने की कोशिश करेगा, इसने धागे को इलोंगेट करने की कोशिश की, तो अगर धागे में इलोंगेशन की टेंडेंसी ऊपर, वो कौन फोर्स देगा ऊपर? वो एयर डेंसिटी। अरे जो बैलून के अंदर जो हीलियम गैस भरा हुआ, वो बैलून के अंदर जो हीलियम गैस रखा है उसकी डेंसिटी एयर से कम है। तो जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे क्यों गिर रहा है, क्योंकि जैसे एयर जो है ना, यहाँ पे हम लोग के रियल वर्ल्ड में तो एयर भी प्रेजेंट है, तो जब एक्चुअल में कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है तो एयर उस पर एक फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में अप्लाई करता है ना, एयर रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं। अब मान लो अगर किसी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी एयर से कम है तो वो जो एयर के कारण जो फोर्स है वो डोमिनेट करेगा ना, उसका वेट कम है और एयर के कारण जो फोर्स है वो डोमिनेट करेगा, तो वो क्या करेगा, वो ऊपर उड़ने की कोशिश करेगा। अगर ये ऊपर उड़ने की कोशिश कर रहा है तो फोर्स ऊपर डायरेक्शन में है, अगर फोर्स ऊपर डायरेक्शन में है तो यहाँ पर इलोंगेशन की टेंडेंसी आ गई। अब जैसे ही इलोंगेट करने की कोशिश करेगा, ये धागे को पसंद नहीं कि कोई इसको इलोंगेट करे, तो वो जनरेट कराएगा टेंशन, तो टेंशन इस डायरेक्शन में जनरेट होगा अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट जो उसके इलोंगेशन को रोकने की कोशिश कर रहा है। तो आई होप ये टेंशन वाला वर्ड या टाइप्स ऑफ फोर्सेस सबको समझ में आ गया। अब बेसिकली हमारा जो सिलेबस है वो तीन टाइप ऑफ फोर्सेस के बारे में, ठीक है ना? कोई डाउट नहीं सर।
अच्छा एक और लेक्चर है हमारा थर्सडे को, अभी लास्ट लेक्चर जो है उसमें वो तुम्हारा डाउट सेशन है। डाउट्स है ना तुम लोग के? यस सर। जिसके मैंने बोला था थर्सडे को डाउट्स रखेंगे, थर्सडे को। हाँ सर, हाँ सर, थर्सडे को आज ही बोले थे सर। हाँ तो थर्सडे को मतलब ये क्या करते हैं, ये थर्सडे, सॉरी आज थर्सडे है, आज एक डाउट सेशन है सेकंड वाले लेक्चर में, और 6 से 7 एक एक्स्ट्रा लेक्चर है जिसमें पढ़ाऊंगा। अब ये 6 से 7 वाला एक्स्ट्रा लेक्चर जिसमें पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको आना है, नहीं आओगे आपकी मर्जी, नहीं आओगे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना नहीं जानोगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना नहीं जानोगे तो सब कुछ बहुत महंगा लगेगा, तो जो फ्री में मिल रहा है उसको रख लेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना जरूर सीखेंगे। एंड कर रहे हैं मीटिंग, ठीक है? सर, एक्स्ट्रा क्लास कब? 6 से 7 आज 6 से 7। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।